नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है क्लास टेंथ विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं, जब किसी लेंस पर समांतर किरणें अपतित होती है तो क्या होता है। जब किसी लेंस पर समांतर किरणें अपतित होती है तो क्या होता है, कागज सूखने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, लेंस में कितने फोकस होते हैं। लेंस में दो फोकस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए सही है, डायोप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। ऑप्शन नंबर ए सही है। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाश गमन करता है, प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में। ऑप्शन ए सही है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऊष्माक्षेपी। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है, तो हाइड्रिला पौधे में, हाइड्रिला पौधे में। ऑप्शन बी सही है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी सही है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी सही है। मानव गुर्दे का आकार होता है, चालनी नालिकाएं पाई जाती है, चालनी नालिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। ऑप्शन सी सही है। आरबीसी की जीवन अवधि होती है, आरबीसी की यानी लाल रक्त कण की जीवन अवधि होती है 120 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही है, 120 दिन। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो स्टार्च। ऑप्शन नंबर सी सही है। मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकेडियम से, पेरिकेडियम से। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन बी सही है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है, ऑक्सीजन का वाहक है आरबीसी यानी लाल रक्त कण। ऑप्शन नंबर सी सही है। पौधे में श्वसन होता है, पौधे में श्वसन होता है पत्तियों द्वारा, बिल्कुल सही सोचें। ऑप्शन बी सही है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो निमोनिया। ऑप्शन नंबर बी सही है। मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि होती है, मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि होती है 12 से 20 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही है। सोडियम, सोडियम का प्रतीक होता है Na की परमाणु संख्या है 11। सोडियम Na की परमाणु संख्या कितना है 11। ऑप्शन नंबर बी सही है। पोटेशियम, पोटेशियम के की परमाणु संख्या है, पोटेशियम के की परमाणु संख्या है 19। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑक्सीजन ओ की परमाणु संख्या है 8। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लोरीन Ci की परमाणु संख्या है 17, याद रखिएगा 17। हीलियम He की परमाणु संख्या है, हीलियम He की परमाणु संख्या है 2। ऑप्शन नंबर ए सही है। कैल्शियम Ca, कैल्शियम Ca की परमाणु संख्या है 20, याद रखिएगा 20, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20। फास्फोरस P की परमाणु संख्या है, फास्फोरस P की परमाणु संख्या है 15, फास्फोरस की परमाणु संख्या 15। ऑप्शन नंबर बी सही है। आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक होता है 10 74। ऑप्शन नंबर बी सही है।